हैमिल्टन में खेले गए अंतिम टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टी20 सीरीज भी न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली है। आज खेले गए अंतिम टी20 मैच में टॉस रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 212 रन बनाए। कीवी टीम के लिए कॉलिन मुनरो ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए, जबकि टिम सेफर्ट 43, डी ड्रेंट होम ने 30, कप्तान कैन विलियमसन ने 27 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप ने 2 विकेट लिए, जवाब में भारतीय टीम 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। भारत के लिए विजय शंकर ने 45, ऋषभ पंत ने 28, कप्तान रोहित शर्मा ने 38, हार्दिक पांड्या ने 21, दिनेश कार्तिक ने 33 और कुणाल पांड्या ने नाबाद 26 रन बनाए। ओपनर स्मृति मंधाना की 86 रन की तूफानी पारी के बावजूद भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड के हाथों तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला 2 रनों से हार गई। न्यूजीलैंड ने टी20 मैचों की यह सीरीज 3-0 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए सोफी डिवाइन ने 72, कप्तान एमी सटरथविक ने 31 रनों की पारी खेली, जवाब में भारतीय टीम 20 ओवरों में 4 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 86, प्रिया पुनिया ने 2, जेमिमा रोड्रिक्स ने 21, कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 रन बनाकर आउट हुई, मिताली राज 24 और दीप्ति शर्मा 21 रन बनाकर नाबाद रहीं। जोस बटलर के नाबाद 67 और बेन स्टोक्स नाबाद 62 रनों के सहारे इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए। सेंट लूसिया के डेरेन सेमी नेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले गेंदबाजी चुनी। इंग्लैंड की शुरुआत एक बार फिर खराब रही और उसके 4 विकेट 107 रनों पर ही गिर गए। जेनिंग्स ने 8, रोरी बर्न्स ने 2, जो डेनली 20, कप्तान जो रूट 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर बटलर और स्टोक्स के दम पर वापसी करते हुए दिन की समाप्ति तक अपना स्कोर सम्मानजनक कर लिया। वेस्ट इंडीज की तरफ से कीमोपाल ने 2, शैनन ग्रेबियल और अल्जारी जोसेफ ने 1-1 विकेट लिया। वेस्ट इंडीज पहले ही टेस्ट सीरीज जीत चुका है। मौजूदा विजेता चेन्नई एफसी ने अंक तालिका में पहले स्थान पर कायम बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा दिया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई को खेल के 32वें मिनट में बेंगलुरु के डिफेंस की गलती का फायदा मिला और चेन्नई के जेजे ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही ग्रेगोरी नेल्सन ने एक और गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी। खेल के 57वें मिनट में बेंगलुरु के कप्तान सुनील छेत्री ने गोल कर बढ़त 2-1 कर दी। इसके बाद बेंगलुरु ने बराबरी के लिए कई हमले किए, लेकिन निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हो पाया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।